बनाने का सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक एलोवेरा जेल चाहिए, तो ये मैं गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लूँगी एक बाउल में। उसके बाद मैं हनी यूज़ करूँगी, तो ये ऑर्गेनिक हनी है, आप चाहो तो डाबर की हनी भी यूज़ कर सकते हो। गाइस इस मास्क का जो फ़ायदा है ना, इससे आपके चेहरे के जितने भी काले दाग धब्बे हैं सब चले जाएंगे, पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं वो चले जाएंगी, पिंपल्स चले जाएंगे, आपका एकदम चेहरा ग्लोइंग होगा। तो 1/2 टीस्पून मैं ये हनी ले रही हूँ और आपके चेहरे की सारी प्रॉब्लम चले जाएंगी अगर आप 7 दिन तक इसको लगातार यूज़ करोगे तो। फिर उसके बाद मैं ये 1 पिंच हल्दी ले रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। गैस मेक श्योर आप इसे पैच ट्रैच ज़रूर करें कान के पीछे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सूट हो वो आपको भी सूट हो। तो फिर एक बार ऐसे टेस्ट कर लीजिए, जब ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी में जब आ जाएगा तो आप इसे फेस पे अप्लाई कर दीजिए। तो गाइस आप एक बार इसे कान के पीछे लगा के देखिए, अगर आपको एलर्जी वगैरह कुछ नहीं होती है तो फिर आप इसे फेस पे अप्लाई करिए। मुझे तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होता है और मेरा जो चेहरा है इससे एकदम क्लियर हो जाता है और ब्राइटनेस आ जाती है मेरे फेस पे। तो आप देख सकते हो मैं इसी तरीके से अपने फेस पे पूरा अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरीके से फेस पे अप्लाई हो जाने के बाद मैं इसे ऐसे ही 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी गाइस। फिर 20 मिनट के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी और टॉवल की हेल्प से इसे ड्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितने जल्दी क्लीन हो गया है, कितना अच्छा वाइटनेस प्रोवाइड हो गया है मेरे फेस पे। तो आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हो गाइस वीडियो में पहले जाके, कि मेरा फेस पहले डल जैसा था और कितने जल्दी इंस्टेंटली एक ग्लो जैसा प्रोवाइड हो गया है, वाइटनेस प्रोवाइड हो गया और जितने भी मेरे दाग धब्बे वो कम हो गए। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए।